सो हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, बट कोई ना, तो फाइनली गाइस ट्यूटोरियल वीडियो आ चुकी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक बढ़िया एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। मीन्स आज मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप लोग अपने कैरेक्टर को बनाओगे एंड कैसे बैकग्राउंड को बनाओगे एंड कैसे उसे एनिमेट करोगे। एंड मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, सो ये थोड़ा लंबा हो सकता है। और हाँ, मुझे पता है कि मैं कोई बहुत बड़ा एनिमेटर तो नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो पार्ट वन होने वाला है एंड बाकी के पार्ट्स बाद में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे एंड आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। बट वेट गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट ऐप बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप लोग अपने एनिमेशन को एकदम स्मूथ बना पाएंगे। मीन्स अगर आप लोग कम फ्रेम्स को भी बनाते हैं तो भी आपका एनिमेशन एकदम स्मूथ बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनिमेशन आपके ड्राइंग स्किल्स पर ही डिपेंड करता है, तो अगर आप लोग का ड्राइंग स्किल अच्छा है तो आप लोग एक अच्छा एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। अगर आप लोग का ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो भी आप लोग एनिमेशन बना सकते हो, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर आना चाहिए। एंड एक बात और गाइस, अगर आप लोग एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है एंड आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप लोग एक अच्छा एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। नाउ अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से ऐप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है एनिमेशन बनाने के लिए। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं रफ एनिमेटर, एंड गाइस मुझे पता है कि फ्लिपा क्लिप भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि अगर आप लोग को एक प्रोफेशनल एनिमेशन बनाना है तो आपको रफ एनिमेटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया एनिमेशन का ऐप। एंड अब बात कर लेते हैं अपने एडिटिंग ऐप के बारे में, जिससे हम लोग अपने एनिमेशन को एडिट करेंगे। तो गाइस, एडिटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर डायरेक्टर। हाँ, मुझे पता है कि काइन मास्टर एक अच्छा ऑप्शन है फ़ोन में एडिटिंग करने के लिए, बट मेरे इस टट्टी से फ़ोन में काइन मास्टर सपोर्ट ही नहीं करता है, इस वजह से मैं पावर डायरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग के फ़ोन में सपोर्ट करता है तो आप लोग उसे ही यूज़ करना। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे सीक्रेट ऐप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइस, उस सीक्रेट ऐप का नाम है टाइम कट ऐप। इस ऐप में आप लोगों को फ्रेम चेंजिंग का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अपने वीडियोस के फ्रेम पर सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं, जिसके हेल्प से हमारा एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में। एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वही मेन है। तो कैरेक्टर बनाने के लिए आप लोग अपने ड्राइंग स्किल्स का यूज कर सकते हो एंड अपना एक खुद का कैरेक्टर बना सकते हो। एंड अगर आप लोग खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन करने में कंफ्यूज हो तो आप अपने फेस का यूज कर सकते हो कैरेक्टर बनाने के लिए, जैसे आरजी का कैरेक्टर है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक कैरेक्टर बना के दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को किसी पेज पर ड्रॉ कर लेना है एंड आपको अलग अलग साइड से अपने कैरेक्टर को बनाना है। मींस आपके कैरेक्टर सामने से कैसा दिखेगा, पीछे से कैसा दिखेगा एंड किनारे से कैसा दिखेगा, ये सब। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने कैरेक्टर को पेज पर बना रहा हूं एंड आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मेरे टट्टी से फ़ोन में DSLR वाला कैमरा जो है। एंड अब अपने कैरेक्टर का स्केच बनाने के बाद आपको उसका एक क्लियर फोटो कैप्चर करना है। तो गाइस, फोटो कैप्चर करने के बाद उसे आप लोगों को रफ एनिमेटर में ओपन कर लेना है। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। तो रफ एनिमेटर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक मिनट, इसको मैं साइड कर देता हूँ। एंड आपको फ्रेम्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। वैसे अभी हम लोग अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आप फ्रेम कुछ भी रख सकते हैं। जब हम एनिमेशन बनाएंगे तब फ्रेम्स को सेट करेंगे, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। बाकी आपको कैमरा साइज को
फर्स्ट वाले में 90:20 रखना है एंड सेकेंड वाले में 1080p रखना है। एंड इतना करने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है साइड के, और यहाँ पर इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो फोटो आप लोगों ने कैप्चर कर लिया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद आप लोग को ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है बड़ा करने का, इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड इसको जूम करके इसको एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। सो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, जितना आपको साइज सही वो आपको रखना है एंड एंगल वगैरह आपको चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है एंड आप लोगों को ट्रेसिंग स्टार्ट करना है। सो ट्रेस करने के लिए आप लोग को ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग को कलर ब्लैक कर देना है। एंड करने के बाद आप लोग को ब्रश साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपको चाहो, तो मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूँ। एंड बाकी ओपेसिटी आपको 100 ही रखना है एंड फ्लो 100 एंड स्मूथिंग आप बढ़ा सकते हो 5 to 10 में यूज कर सकते हो, इससे आप लोग का जो लाइन होगा वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। सो गाइस फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद लेयर 1 ये रहा जिसमें हम लोगों ने फ़ोटो को इंपोर्ट किया। अब हम लोग को दूसरा लेयर ऐड करना होगा जिसके ऊपर हम लोग ट्रेस करेंगे। तो दूसरा लेयर ऐड करने के लिए आप लोग को मॉडिफाई लेयर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐड एम्प्टी लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नया लेयर ऐड हो जाएगा, तो आप लोग को नए लेयर पर अब वर्क करना है। एंड फर्स्ट लेयर की आप ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको अच्छा लगे। सो अभी हम लोग को इसको ट्रेस करना है अपने लेयर 2 पर। सो मैं ट्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग को रफ एनिमेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या फिर इसका कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्लिपा क्लिप पे भी एनिमेशन ट्यूटोरियल के वीडियो लाऊं, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं एक अच्छा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। तो गाइस ट्रेस करने के बाद आपका कुछ कैरेक्टर ऐसा दिखेगा एंड ट्रेस करने के बाद आप लोग को जिसमें फ़ोटो आपने जिस लेयर में इंपोर्ट किया था यानी पहला लेयर, इसको आप लोग को इस पर क्लिक करके मॉडिफाई लेयर पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। एंड नाउ डिलीट करने के बाद अब हमारा कैरेक्टर ट्रेस होकर एकदम तैयार है, देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा कैरेक्टर। एंड अभी हमने जो यहाँ पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं उसको हम लोग इरेज करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये सब देख सकते हो। तो मैं इसे फटाफट इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारा कैरेक्टर अच्छा दिखे। यहाँ भी देख सकते हो गाइस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया, तो गाइस जहाँ जहाँ पर भी एरर है आपको सही कर देना है। सुनाओ गाइस अब हमारा कैरेक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड इसके बाद अब हम लोग इसको कलर करने जा रहे हैं। एंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जो कलर आप अपने कैरेक्टर को देना चाहते हैं। एंड नाउ अब हमारा कैरेक्टर तो कलर हो चुका है बट स्टिल ये अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें टेक्सचर्स को ऐड करना है प्लस हमें लाइटिंग ऐड करना है कि लाइट सोर्स किधर है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें शेडोज़ भी बनाने हैं। एंड जो ये स्किन कलर है इसे थोड़ा डार्क कलर आप लोग को यूज करना है शेडो के लिए, सो ये डार्क सही है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। एंड आप लोग को
मेरा जो लाइट सोर्स है वो इधर है, कुछ इधर है मेरा लाइट सोर्स, तो लाइट जब इधर से आएगा तो शेडो कुछ इधर बनेगा, इस साइड बॉडी के इस साइड बनेगा शेडो, तो मैं इस साइड शेडो को बनाऊंगा। तो शेडो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको शेडो को बनाना है। सो गाइस, टेक्सचर्स को ऐड करने के बाद अब आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड आप देख सकते हो यार गाइस, पहले के कैरेक्टर से और आपके कैरेक्टर से कितना ज़्यादा डिफरेंस है, टेक्सचर्स के ऐड करने से कितना कैरेक्टर मस्त लगने लगा है। एंड इसके बाद एक और काम बचा है, हमें अपने कैरेक्टर में लाइटिंग ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, हमारा लाइट सोर्स इधर है, इधर से लाइट आ रही है, तो हम लोग इधर इस साइड में लाइट को ऐड करेंगे। सो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे ऐड करना है। सो गाइस, लाइट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने कैरेक्टर के स्किन को सिलेक्ट करना है। इस बार आपको लाइट कलर लेना है। आप लोग को पता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो उसका कलर लाइट हो जाता है, एंड सो वही हम लोग यूज़ करेंगे लाइट कलर। तो गाइस, फाइनली अब हमारा कैरेक्टर बनके रेडी हो चुका है। इधर लाइट सोर्स है जिसके वजह से हमारा कैरेक्टर का इधर का स्किन ग्लो कर रहा है, एंड वाले साइड डार्क रहेगा क्योंकि इधर लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। एंड गाइस, आप लोग जब भी अपना कैरेक्टर बनाओ तब आप लोग को गाइस उसमें टेक्सचर्स एंड लाइटिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी वजह से हमारा कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया बनेगा। एंड अगर हम लोग पूरे एनिमेशन में इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा एनिमेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो गाइस, ये था कैरेक्टर मेकिंग का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को अपना कैरेक्टर बनाना है। सो गाइस, ये था एनिमेशन मेकिंग ट्यूटोरियल का पार्ट वन, एंड जल्द ही बाकी के पार्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बनाना एंड एनिमेशन बनाना बताऊँगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों को एनिमेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना,
एंड मुझे पता है कि अब तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दिया होगा, क्योंकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।